नमस्कार, SSN सॉल्यूशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम दिसंबर 2015 पार्ट बी, दिसंबर 2015 के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी आज सॉल्व करेंगे इस क्लास में। पहले हम पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 46 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, द रिजोल्वेंट कर्नल आर एक्स टी लैम्डा फॉर द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। इस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का रिजोल्वेंट कर्नल का मान क्या होगा? ऑप्शंस हमारे सामने हैं 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो रिजोल्वेंट कर्नल है, इसका फॉर्मूला लिखवाया था लास्ट लेक्चर्स में, हमने किए थे इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है आर एक्स टी लैम्डा, निकालने से पहले हमें इटरेटेड कर्नल निकालना होगा, फिर हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ जो इटरेटेड कर्नल है वो के वन एक्स टी इक्वल होता है के एक्स टी के, एंड के एन एक्स टी इक्वल होता है लिमिट। देखो ए है, एक्स है, तो क्या बनेगी टी टू एक्स के एक्स जेड के एन माइनस वन जेड टी डी जेड। इसको के लिख दो या केवल लिख दो, ओके। ये इटरेटेड कर्नल के फॉर्मूले होते हैं। यहां हमें के एन एक्स टी का एक रूल बनाना है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम आर एक्स टी लैम्डा की वैल्यू निकाल पाएंगे। के वन एक्स टी, देखो यहां ये जो फाई ऑफ एक्स किस फॉर्म में होती है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ये इस फॉर्म में होती है, फाई ऑफ एक्स इक्वल में एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स टी फाई ऑफ, यहां दिया हुआ है हमें एस में, तो के एक्स टी फाई ऑफ एस डीएस, ओके, इस फॉर्म में होगी। तो यहां के एक्स टी का मान क्या जाएगा, के एक्स टी का मान इसे कंपेयर करेंगे, हमें के एक्स टी के मान चाहिए, लैम्डा की वैल्यू बाद में देखेंगे हम। लैम्डा का मान तो लैम्डा है, के एक्स टी का मान क्या है, यहां पे फाइव ऑफ एस डीएस तो आएगा, के एक्स टी का मान वन है, ओके। तो के एक्स टी का मान क्या आ गया हमारे पास, वन आ गया। तो के वन एक्स टी का मान भी क्या आ गया, के वन एक्स टी का मान भी क्या आ गया, वन। अब किसका मान निकाले, के एक्स टू एक्स टी का, तो के टू एक्स टी का मान निकालने के लिए यहां जो एन होता है उसका मान टू से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी टाइम्स तक चलता है। इस फॉर्मूले में हम एन का मान टू रख रहे हैं, तो के टू बनेगा टी टू एक्स, टी टू एक्स के वन, के वन एक्स जेड के वन जेड टी डी जेड। यहां केवल एक्स जेड, ये केवल का मान है, केवल एक्स टी, यहां एक्स और टी की वैल्यू कुछ भी रखे, वन है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा, ये भी केवल है, तो इसका मान भी वन आएगा, इसका मान भी वन आएगा, क्योंकि कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम एक्स का और टी का मान क्या रख रहे हैं उस पर। तो ये बन जाएगा हमारे पास इक्वल में, ये वन बनेगा और वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स माइनस टी आ जाएगा। के टू एक्स टी का मान क्या आ गया हमारे पास, के टू एक्स टी का मान आ गया हमारे पास एक्स माइनस टी, ओके। पूरा वन बन गया, डी जेड का करेंगे जेड, लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमें किसका चाहिए, के थ्री का, तो के थ्री एक्स टी का मान क्या बनेगा, लिमिट टी टू एक्स, यहां रखेंगे हम वन, तो ये तो वन रहेगा, के वन एक्स जेड, और ये बन जाएगा के टू, के टू जेड टी डी जेड, ओके। तो इसका मान टी टू एक्स चल रहा है हमारे पास, के वन एक्स जेड का मान फिक्स है वन, के टू जेड टी, देखो के टू एक्स टी का मान एक्स माइनस टी है, तो के टू जेड टी का मान क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हम क्या रख देंगे जेड, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स माइनस टी डी जेड,
जेड रख रहे हो तो ये बन जाएगा जेड माइनस टी डी जेड। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, जेड माइनस टी का होल स्क्वायर बाई टू लिमिट टी टू एक्स, लिमिट टी टू एक्स। जेड का मान एक्स रखेंगे तो बनेगा एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन में टू, और टी रखेंगे तो जीरो। तो के थ्री एक्स टी का मान क्या आ गया हमारे पास, एक्स माइनस टी का स्क्वायर बाई टू। ऐसे एक और निकाल लेते हैं, के फोर एक्स टी का मान टी टू एक्स, यहां मान रखेंगे के वन एक्स जेड वन है, यहां ये बनेगा हमारे पास क्या के थ्री जेड टी, एक्स की जगह जेड रख देंगे तो ये बनेगा हमारे पास एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर बाई टू डी जेड। तो एक्स की जगह जेड रख देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, जेड माइनस टी का क्यूब अपॉन में टी थ्री, थ्री और टू बन जाएंगे सिक्स, लिमिट क्या आ जाएगी टी टू एक्स, टी रखेंगे तो जीरो, एक्स रखेंगे तो क्या आ गया एक्स माइनस टी का क्यूब बाई थ्री सिक्स। इसको क्या लिख सकते हैं हम, थ्री फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं, टू फैक्टोरियल। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस टी की पावर के वन आ गया के टू, ये रहा इसकी पावर वन अपॉन में वन फैक्टोरियल, ये वन ही रहेगा। तो इसको तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, हमारे पास ये रिलेशन बन रहा है कि के वन का वन आ रहा है, के टू का वन बाई फैक्टोरियल वन, के थ्री में स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल फोर, के फोर में क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल थ्री। तो ऐसे ही के एन एक्स टी का मान क्या बन जाएगा, इसकी पावर एक कम हो रही है तो x माइनस से t की पावर n माइनस वन अपॉन में n माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास एक रूल निकल के आया कि इससे हम जो इटरेटेड कर्नल का मान निकालेंगे वहां के एन एक्स टी का मान क्या जाएगा, x माइनस टी की पावर n माइनस वन अपॉन में n माइनस वन फैक्टोरियल। तो अब हम निकालेंगे क्या, हमारे पास इटरेटेड कर्नल की वैल्यू आ गई, अब रिजोल्वेट कर्नल का फॉर्मूला लगाएंगे और इसके मान निकाल देंगे। तो अब ये जो रिजोल्वेट कर्नल आर एक्स टी लैम्डा है, इसका फॉर्मूला होता है समेशन एन इक्वल्स वन टू इंफिनिटी लैम्डा की पावर एन माइनस वन के एन एक्स टी। यहां हम मान रखेंगे n का मान 1, 2, 3 ऐसे मान रखते जाएंगे। तो हमारे पास जैसे n का मान 1 रखेंगे तो ये 1 बनेगा, और k1 का मान भी 1 है, प्लस जैसे हम 2 रखेंगे n का मान 2 तो ये बनेगा लैम्डा, और इसका मान क्या आ रहा है x माइनस टी। जैसे हम n का मान 3 रखेंगे तो बनेगा लैम्डा स्क्वायर x माइनस टी का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस एन सोन। ऐसे ही आगे ये बनेगा, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस लैम्डा, तो ये 1 प्लस इसको x पर दो, 1 प्लस x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 x क्यूब फैक्टोरियल 3 e की पावर x का फॉर्मूला होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास e की पावर x क्या है, लैम्डा x माइनस टी। x क्या है हमारे पास में, लैम्डा x माइनस टी। तो ये आ गया हमारे पास e की पावर लैम्डा x माइनस टी, और ये किस में आ रहा है e की पावर लैम्डा x माइनस टी, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट पे प्लस है, थर्ड में लैम्डा मल्टीपल में है, फोर्थ में लैम्डा एक्स टी है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड, e की पावर लैम्डा इंटू एक्स माइनस टी, पार्ट बी का है तो एक ही ऑप्शन इसका राइट होगा। तो इसका राइट ऑप्शन आ गया ऑप्शन सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 का ही पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन है लेट वाई जीरो इंफिनिटी टू जीरो इंफिनिटी बी ए कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। वाई ए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई कर रहा है फॉर टी ग्रेटर एंड इक्वल जीरो के लिए। देन ये जो फोर ऑप्शन है, इन फोर ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होंगे,
पार्ट सी का है तो एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे हमारे पास। तो ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया था, वहां यहाँ माइनस था, यहाँ पे हमें प्लस दिया हुआ है, सेम प्रोसेस है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको करना है। देखो इसका स्क्वायर करेंगे हम तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर टी। ओके, वाई स्क्वायर टी इक्वल में वाई ऑफ जीरो का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस टू वाई ऑफ जीरो इंटू ए। ये देख लेंगे हम कौन से ऑप्शन में है, तो इसके अंदर ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन फोर तो हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसका हम स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड राइट हैंड साइड इसकी ये बनेगी, ऑप्शन फोर हमारा राइट आंसर। अब बाकी तीन ऑप्शन में से कौन से राइट हैं और कौन से डिस्कार्ड होंगे वो हम चेक करेंगे, लेवरेज रूल लगाएंगे। तो वाई डैश टी इक्वल में कॉन्स्टेंट का जीरो, इसका बनेगा जीरो से टी डेल अपॉन, देखो वाई किसका फंक्शन है, टी का, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल अपॉन डेल टी वाई ऑफ एस डी एस प्लस अपर लिमिट क्या है टी, टी का बनेगा वन, तो ये बन जाएगा वाई ऑफ टी डी टी अपॉन में डी टी प्लस, अब लोअर लिमिट का करेंगे, लोअर लिमिट जीरो है तो इसका मान जीरो बन जाएगा, इसका मान आ गया, यहां टी का फंक्शन नहीं है, पार्शियल कर रहे हैं तो जीरो बनेगा, ये डी टी का डी टी के रेस्पेक्ट में वन, इंप्लाइज करके हमारे पास क्या मान आ गया, वाई डैश टी का मान क्या आ गया, वाई ऑफ टी डी वाई बाई टी अपॉन में डी टी माइनस वाई ऑफ टी इक्वल में जीरो, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ये बनेगा हमारे पास डी माइनस वन वाई ऑफ टी इक्वल में जीरो। सीएफ निकालेंगे, सीएफ क्या जाएगा इसमें, एम का मान वन, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, वाई ऑफ टी इक्वल में सी वन ई की पावर टी, ई की पावर टी, यहां सी वन क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का मान हम वन ले सकते हैं, तो वाई ऑफ टी का मान क्या आ गया, ई की पावर टी। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि y of t इक्वल में e की पावर t किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, किसको डिस्कार्ड करेगा। यहां ऑप्शन फर्स्ट की बात करें, ऑप्शन फर्स्ट यहां y स्क्वायर t है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर 2t इक्वल में y स्क्वायर जीरो। देखो यहां पे यदि हम y जीरो का मान निकालें तो e की पावर जीरो का मान क्या बनेगा, वन। ओके, हमें चाहिए इसका मान तो निकाल लिया वहां से, वाई स्क्वायर वन का स्क्वायर करेंगे तो वन प्लस जीरो टू टी वाई स्क्वायर टी क्या बनेगा, ई की पावर टू टी डी टी, ई की पावर टू एस बनेगा और ये डी एस बन जाए, यहां हमारे पास वाई स्क्वायर टी। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो वन प्लस ई की पावर टू एस का क्या बनेगा, ई की पावर टू एस बाई टू लिमिट्स जीरो टू टी, तो इसका मान क्या आ जाएगा, e की पावर 2t by 2 वन प्लस e की पावर 2t by 2 जीरो रखेंगे तो माइनस वन बाय टू। यहां क्या आ रहा है, e की पावर 2t इधर क्या आ गया, ये इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सेकंड की बात करें तो सेकंड ऑप्शन में क्या है, y स्क्वायर t तो e की पावर 2t इक्वल में y स्क्वायर जीरो का मान 1 बनेगा 2 जीरो टू t y स्क्वायर s e की पावर 2s ds इक्वल में 1 प्लस 2 e की पावर 2s का e की पावर 2s by 2 लिमिट जीरो टू t, लिमिट लगाएंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बनेगा 1, 2 से 2 हो गया, t रखेंगे तो e की पावर 2t, 0 रखेंगे तो माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 2t, e की पावर 2t के e की पावर 2t इक्वल आ गया, इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड की बात करें तो ऑप्शन थर्ड देखो क्लियर दिख रहा है यार, 0 से t फिर भी निकाल लो आप इसका, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, तो y स्क्वायर t e की पावर 2t इक्वल में y स्क्वायर जीरो का मान 1 प्लस 0 टू t y ऑफ s, y ऑफ s क्या बनेगा, e की पावर
एस डी एस। अब इससे हम ई की पावर 2t नहीं बना सकते, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो दो ऑप्शन इसके डिस्कार्ड हो गए, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड। राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फोर। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर होंगे। ओके, एंड 2015 का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का, क्वेश्चन नंबर ये 100 था। लेट लैम्डा वन लैम्डा टू बी द कैरेक्टरिस्टिक नंबर्स एंड एफ वन एफ टू बी द करेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन। लैम्डा वन लैम्डा टू कैरेक्टरिस्टिक नंबर है और एफ वन एफ टू आइगन फंक्शन है फॉर द होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, इस इंटीग्रल इक्वेशन के। देन इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन राइट होंगे, कौन से डिस्कार्ड होंगे, वो हमें बताना था। तो इसको सोल्व करेंगे, पहले हम लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्यूशन ये हमारे पास फाइ ऑफ एक्स इक्वल में, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये बनेगा लैम्डा टू एक्स जीरो टू वन टी फाइ ऑफ टी डी टी प्लस लैम्डा फोर लैम्डा एक्स स्क्वायर जीरो टू वन फाइ ऑफ टी डी टी। ओके, ये बन गया हमारे पास, क्या करते हैं इसको हम C1 बोलते हैं और इसको C2 बोलते हैं। तो इस ये phi of x क्या बनेगा हमारे पास, 2 lambda x C1 plus 4 lambda x square C2। इसको देंगे इक्वेशन फर्स्ट वेयर C1 का मान है 0 to 1 t phi of t dt एंड C2 का मान है 0 to 1 phi of t dt। ये हमारे पास C1 और C2 के मान आ गए, phi of x का आ गया। अब हम C1 और C2 को आगे सोल्व करते हैं, तो C1 को आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 0 to 1 t as it is, phi of t का मान यहां से रख देंगे, x का x की मान क्या रख देंगे t। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 lambda t C1 plus 4 lambda टी स्क्वायर सी टू डी टी इक्वल में, यहां से जो कांस्टेंट है उनको बाहर कर देंगे, 2 लैम्डा सी वन बाहर हो जाएगा, ये बनेगा 0 to 1 टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर डी टी प्लस इसके अंदर बाहर होगा 4 लैम्डा सी टू 0 to 1 टी स्क्वायर टी टी क्यू बनेगा डी। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 लैम्डा सी वन टी क्यू बाय 3, 1 रखेंगे तो 1/3, 0 रखेंगे तो 0, तो इसका मान हो जाएगा 1/3, तो ये बनेगा 2/3। यहां बनेगा टी बाय 4/4, तो टी की पावर 4 में 1 रखेंगे तो 1/4 आएगा, 0 पे 0 4 इसको कैंसिल कर देगा, इसका मान बनेगा लैम्डा सी टू, किसके इक्वल आ रहा है ये सी वन के। क्या करेंगे इसको इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस 2 बाई 3 लैम्डा सी वन माइनस लैम्डा सी टू इक्वल में 0, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास सी वन और सी टू में एक रिलेशन आया, एक रिलेशन हमें ये सी टू देगा, इसको आगे सोल्व करेंगे तो सी टू बनेगा हमारा फाइ ऑफ टी डी टी। तो 0 to 1 फाइ ऑफ टी का मान रख देंगे, इसको यहीं से कर लेते हैं हम, ये 2 लैम्डा सी वन बाहर आएगा 0 to 1, यहां बनेगा टी डी टी प्लस इसमें 4 लैम्डा सी टू बाहर निकलेगा 0 to 1 टी स्क्वायर डी टी, ये बन जाएगा 2 टी स्क्वायर बाय 2 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा लैम्डा सी वन, यहां टी क्यू बाय 3 बनेगा 1/3, तो ये बन जाएगा 4/3 लैम्डा सी टू। इंप्लाइज करके किसके इक्वल चल रहा है सी टू के, तो ये बन जाएगा हमारा लैम्डा सी वन, इसको इधर लेके आ जाओ तो माइनस लैम्डा सी वन, ये बनेगा 1 माइनस 4/3 लैम्डा सी टू इक्वल में 0, इसको दे देंगे इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 और 5 से हम लैम्डा के मान निकालते हैं, कैसे,
डिटरमिनेंट बनाते हैं, इक्वल में जीरो लेते हैं और यहां से हम लैम्डा के मान निकालेंगे कि लैम्डा के मान क्या आएंगे, इक्वल आएंगे या फिर डिस्टिनेंट आएंगे। तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर से हमारे पास वैल्यू बनी 1-2/3 लैम्डा, C1 का कोफिशियंट माइनस लैम्डा, C2 का कोफिशियंट माइनस लैम्डा, यहां C2 का कोफिशियंट 1-4/3 लैम्डा इक्वल में जीरो। इसको हम सॉल्व करें तो ये बन गया हमारे पास 1-2/3 लैम्डा इंटू 1-4/3 लैम्डा, लैम्डा को लैम्डा से मल्टीपल करेंगे प्लस का लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, माइनस साइन आता है तो माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल में जीरो। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1-2/3 लैम्डा माइनस का 4/3 लैम्डा प्लस 8/9 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल में जीरो। ये बनेगा 1, 2 लैम्डा, 4 लैम्डा माइनस के 6 लैम्डा, 3 का डिवाइड करेंगे तो -2 लैम्डा, यहां 8/9 लैम्डा स्क्वायर ये माइनस का तो माइनस के 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 8 लैम्डा स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस का लैम्डा स्क्वायर बाय 9 इक्वल में 0। तो इसके मान आएंगे हमारे पास लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा माइनस 9 इक्वल में 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा 9, तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे, ये माइनस का है प्लस का बन गया, ये प्लस का बन गया, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का बन जाएगा। अब यहां लैम्डा के मान निकालेंगे तो लैम्डा के मान कैसे आएंगे हमारे पास, माइनस के 18 प्लस माइनस अंडर रूट 18 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अपॉन में 2। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास, लैम्डा के मान इक्वल तभी आएंगे जब अंडर रूट में जीरो बने, यहां अंडर रूट में जीरो नहीं आएगा, ये जीरो आएगा तभी इसके मान दोनों इक्वल आएंगे -9 और -9, बट यहां जीरो नहीं आ रहा, ऑप्शंस में हमें लैम्डा के मान नहीं पूछे तो हम नहीं निकालेंगे इसमें, यहां लैम्डा के अलग अलग मान आ रहे हैं तो पहले तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए और ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि अंडर रूट का मान जीरो नहीं आ रहा। और उसके बाद में ये इनमें कंडीशन होती है कि यदि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 नॉट इक्वल जीरो है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 नॉट इक्वल जीरो है तो उनकी जो लिमिट्स दी हुई है उस लिमिट के ऊपर उनके आइगन फंक्शंस के मल्टीपल का इंटीग्रेशन का मान जीरो होगा, का मान क्या होगा, जीरो। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन फोर हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर क्या आगे हमारे पास, इसके राइट आंसर आगे ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड। ओके, थैंक यू।